रैली तो मामा ना बेरा होता था मामा तो वो आए हैं ट्रैक्टर ले लेते ना बताऊं बात है नाज भी नहीं भी क्या राजी भी नहीं है ट्रैक्टर भी लिया तेल दो रहता है तेल दो रहता है इब लग मारा कर काफी कह रही कोई सोचता नहीं शाम तक के बनेगी बेरा नहीं लेकिन ये राजी नहीं है सरकार से इस चक्कर में हो रही है रैली भाई बेरा को नहीं नुए स्वाद लेने आ गए थे हम तो ट्रैक्टर ले गए ए स्वाद लेने आ रहे मतलब स्वाद इस तरह भी मिलता है स्वाद की कई प्रकार होती है और एक स्वाद है भाई कभी सा भूख है घर का पीछा बुक कर 6 लाख लगा के और तेल बुक करेंगे और ये तो सरकार हमने फतू बनाने लग रही है देखो कमाल की बात झंडा दिखाओ भाई एक बार इसी सरकार का झंडा है ये सरकार का झंडा है सरकार कैसा काम कर रही है सरकार जमा घटिया काम कर रही है मारी फसल चौड़ती खरीदेंगे और हम फतू हाँ जुड़ में बेचेंगे भाई के नाम आपका हाँ भाई महेंद्र महेंद्र कौन सा गाँव फुलाना कौन सी एजेंसी का ट्रैक्टर का सीधा डायरेक्ट एजेंसी से है एजेंसी से लेके आए हो ना ना लेवड आए कब लिया था कई दिन हो गए ट्रैक्टर आ रहे कोलाना से कोलाना सारे 10-15 ट्रैक्टर तो तेल तूल गलवा दिया या शाम में गलवाऊंगे हैं गलवा दिया नहीं गलवाया हाँ हाँ किसने गलाया हैं ये इसने रेडेरी वाला रविंदर ने गाड़ी कितनी मिलेगी दिहाड़ी पता नहीं मुझे खोल ली खोल अंदाजा तो अंदाजा तो क्या बताए 500 ज्यादा 500 उत्तर के बाद लेने नहीं भाई सारा सौदा कपास घरा पड़ी सारा सौदा पड़िया बात को लेने जो भी पड़ी ही लगे तो सरकार ने सारी ले ली एमएसपी भी ले लेंगे कड़ा ले ली मारा तो घर भी पड़ी है जाएगी देख लीजिए अच्छा नु बता डट तो जा ये रैली क्यों काट रखी आज रैली तो अजी बीजेपी वाले काट रहे जी देरा नहीं बीजेपी का समर्थन करने आ रहे हैं मैं तो हूँ बीजेपी में मैं तो वैसे घूमने आ रहा हूँ जी तो लोग की बेरा है थोड़ा बहुत इतना ज्ञान पड़े आप अनपढ़ ज्यादा बीजेपी की किसान ट्रैक्टर रैली का पूरा सच आज हम आपको दिखाएंगे आप इसे ग्राउंड रियलिटी टेस्ट भी कह सकते हैं इस रैली में जो लोग आए हैं उनसे बात करेंगे वो किसान हैं या कुछ और हैं ये भी आपको बताएंगे और इसी रैली को इनेलो के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा काले झंडे दिखाने का प्रयास भी किया गया उस पर भी आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे हालांकि ये प्रयास पुलिस ने विफल कर दिया था लेकिन जो लोग झंडे दिखाने आए थे काले कपड़े दिखाने आए थे उनके साथ पुलिस ने जमकर धक्का मुक्की की और जबरन पुलिस गाड़ी में डालकर उन्हें अपने साथ ले गई ये तमाम तस्वीरें पूरी अपडेट के साथ आपको एक मत पोस्ट पर दिखाएंगे और आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक देखिए ताकि पूरा सच आपके सामने आ सके दरअसल ये किसान ट्रैक्टर रैली हिसार लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 9 विधानसभाओं की बताई गई थी और इसकी कमांड जो है एक तरीके से राज्यसभा सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स और लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के अलावा विनोद भ्याना जो हांसी के विधायक हैं वो कर रहे थे सवाल पहला यही है कि 9 विधानसभाओं में से हांसी को ही इस रैली के लिए क्यों चुना गया न तो नारनौंद और न उचाना बरवाला या फिर उकलाना जो किसान बाहुल क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में ये रैली करने से परहेज किया गया इसकी वजह भी हम आपको बता देते हैं दरअसल अगर ये रैली नारनौंद उचाना बरवाला या फिर उकलाना में की जाती तो स्वाभाविक सी बात है शायद वहाँ विरोध हो सकता था लेकिन हांसी में एक तरह से विपक्ष मजबूत नहीं है और जबकि ये कह सकते हैं कि विपक्ष के तौर पर ये सबसे कमज़ोर सेंटर है विपक्ष के नाम पर ज़्यादा कुछ यहाँ है नहीं इसलिए हांसी को किसान ट्रैक्टर रैली के लिए चुना गया कांग्रेस भले ही 3 बिल का विरोध करती आई हो लेकिन आज इस रैली में अगर किसी ने विरोध किया है तो सिर्फ इनेलो ने इनेलो नेता नवीन राणा ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया में अपना एक वीडियो फुटेज जारी कर ये ऐलान किया था कि वो इस यात्रा को काले झंडे दिखाएंगे और आज सुबह से ही पुलिस और उनकी टीम नवीन राणा और उनके साथियों के साथ चूहा बिल्ली का खेल खेल रही थी और हुआ ये
कि आखिर में जहां ये रैली समाप्त हुई, रैली समाप्त होने से कुछ क्षण पहले ही सिसाए पुल पर इनेलो कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दबोच लिया और गाड़ी में ठूस कर अपने साथ ले गई। ये लोग यहाँ इस रैली को काले झंडे दिखाने पहुंचे थे। हालांकि इसमें भी एक नाटक नजर आया। वो नाटक ये था कि इन लोगों को पुलिस ने पहले हांसी की अनाज मंडी में घेर लिया था, लेकिन 2 घंटे तक पुलिस इन कार्यकर्ताओं के साथ साथ घूमती रही, इनके पीछे पीछे आती रही। जहाँ ये रुकते थे पुलिस वहीं रुकती थी, इनके साथ में खड़ी रही। और जब सिसाई पुल पर जहाँ ये यात्रा खत्म होनी थी, समाप्त होनी थी, और मीडिया भी वहाँ पर जब जुट गई तो पुलिस भी शायद TRP का इंतज़ार कर रही थी, और उसी दौरान इनको दबोचा गया, गाड़ी में ठूस कर वहाँ से ले जाया गया। पहले ये मौके की तस्वीरें आप देख लीजिए। भाई भाई सिंह कुछ कहोगे क्या? हेलो हेलो कुछ बोलना है, बोलो कुछ बोलना है, बोलो भाई। विरोध धाम इनका विरोध करना है, हड़े किन्नु तेरे सोगा देख ले तो प्रदर्शन किया पुलिस की, देख लो ये बात के देख ले पिताजी, देख ले मेरे साथ है, देख लो किस तरह मारा पीटी कर रहे हैं ये, देख ले मैं किन्नु प्रदर्शन देखोगा पर पूरी विरोध कर रहे हैं और काले झंडे दिखाना है जहाँ विरोध में, अरे देख लो पुलिस ताना सही आप देख लो पुलिस भाई साहब कर लो इसकी। केंद्र सरकार के द्वारा जो आज ये ट्रैक्टर रैली निकाली गई है टोटली फर्जी है। कोई भी आप देख लो पूरी रैली के अंदर यदि कोई काले झंडे दिखाने से क्या हुआ? काले झंडे दिखाई, प्रशासन का हमारे ऊपर दबाव है, प्रशासन का बहुत ज्यादा दबाव है। हमने अनाज मंडी से शुरू किया था, वहाँ हमारे साथ इन्होंने वहाँ अनाज मंडी से बाहर निकलने नहीं दिया, उसके बाद भी हमने कोशिश की। आपके एक आदमी को पकड़ा है क्या अभी? हाँ अभी हमारे एक आदमी को लेके जाया। आपने देख लिया किस तरह से पुलिस गाड़ी में डालकर ले जा रही है और जो शख्स गाड़ी में बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं। लेकिन पुलिस को शायद शाबाशी इसी बात से मिलेगी कि इन्होंने इन लोगों को पकड़ा है, काले झंडे दिखाने से बचा लिया गया है। और इसी बात पर हिसार क्षेत्र के लोकसभा सांसद ब्रजेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। कुछ लोगों ने विरोध किया था, उनको पुलिस जबरन गाड़ी में ठूस कर ले गई, परंपरा कैसी? नहीं, मैंने ना तो कोई विरोध देखा ना मेरे सामने कोई ऐसा नजर आया। आप लोग ही बता रहे हो कि कुछ विरोध कहीं पे था। क्या BJP को काले झंडे से काफी डर लगने लगा? मैं तो कह रहा हूँ मेरे सामने तो कोई आया नहीं, आया होता तो हम उनको भी बिठा लेते अपने साथ, क्या दिक्कत? आइए आपको सुना देते हैं कि BJP नेता इस किसान ट्रैक्टर रैली को लेकर क्या कहते हैं। मैं सभी भाइयों का, जिन साथियों ने इसमें सहयोग दिया, सबका अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, सभी नेताओं की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस रैली ने ये दिखा दिया कि भारतवर्ष का किसान मोदी जी के साथ खड़ा है। आप देख रहे हैं BJP के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व में जिला प्रधान भी रह चुके हैं सुरेंद्र पूनिया, खुद ट्रैक्टर लेके आए हुए, असली किसान यात्रा यहाँ से आपको दिख रही है। पूनिया जी खुद ट्रैक्टर चला के आ रहे जी, यात्रा में काफी ट्रैक्टर थे ये तो ठीक है, लेकिन क्या इन लोगों को मालूम था कि ये रैली किस लिए निकाली जा रही है? देखिए जिस प्रकार के सुधार माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के लिए लेकर के आए हैं उससे किसान वर्ग बहुत उत्साहित है, लेकिन ये विपक्षी पार्टी विशेषकर कांग्रेस पार्टी इसको भुनाने के प्रयास में है, क्योंकि बेरोजगारी कई साल से भुगत रहे हैं तो अब इनको इस बहाने से रोजगार की तलाश कर रहे हैं। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, किसान बहुत जागरूक है, उसको पता है उसके हित। BJP का किसान मोर्चा एक तरह से फेल दिखाई दे रहा है, मतलब कांग्रेस हावी होगी इस मुद्दे पे। आज का प्रदर्शन देखिए किस प्रकार से लोगों किसानों का हुजूम उमड़ करके आया है, और उस ये सीधा सीधा प्रमाण है कि माननीय प्रधानमंत्री जो ये सुधार लेकर गए। कुछ लोगों ने अभी काले झंडे दिखाने की कोशिश की थी, उनको पुलिस पकड़ के ले गई है, काले झंडों से BJP को डर क्यों लगता है? देखिए जिनको तकलीफ है वो कुछ ना कुछ करेंगे, खासकर मीडिया में आने के लिए इस प्रकार की हरकतें करते हैं। लोकतंत्र का एक अलग तरीका है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। लोकसभा में राज्यसभा में ये कानून बना है तो, और किसान हित में इतने वर्षों से कांग्रेस भी ये काम लेके आना चाहती थी, लेकिन इच्छा शक्ति की वजह से नहीं लेके आ पाई। आज प्रधानमंत्री जी ने इच्छा शक्ति दिखाई है जिसके कारण से आज किसान बहुत खुश है। ये थे BJP के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पूनिया, आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट जरूर लिखें। BJP के नेता राजपाल यादव भी यहाँ पे, और आज पूरा किसान वर्ग BJP के साथ खड़ा मिला है और सभी ने भी इस अध्यादेश का समर्थन किया। मतलब आपका ये कहना है कि जितने किसान थे ये बड़े खुश हो गए यहाँ रैली में शामिल हुए? हाँ बड़े खुश हो गए, अपनी मर्जी से आए बगैर बुलाए।
ये सारे ही सार के ही हैं भाई। आते हैं विधानसभा डिप्टी स्पीकर गंगा साहब, आपके हल्के से भी ट्रैक्टर आएंगे? हाँ बिल्कुल आए। कितने ट्रैक्टर? अब कितने हैं तो मंडल अध्यक्ष अलग अलग ड्यूटियां थी, वो आपको बता पाएंगे कितने ट्रैक्टर है सारे हर जगह से। लगता है ये तमाम किसान जो अभी दिख रहे हैं ट्रैक्टर पे सब खुश हैं मोदी की नीतियों से? खुश है तभी तो आ रहे हैं, तभी तो ये कर रहे हैं। बिल्कुल गंगा जी कह रहे हैं किसान बहुत खुश है। अब आपको दिखाते हैं किसान कितने खुश है। हाँ भाई आ जाओ, बतला लेंगे थोड़ी देर। बतला ले भाई। क्या नाम है? रोबिन भाई। रोबिन अंग्रेजी नाम है वैसे, है ना? अंग्रेजी नाम है। और के कौन सा काम भाई? जमावड़ी भाई। अरे रोबिन किस चक्कर में हो रही है रैली भाई? बेरा कोनी नु स्वाद लेने आ गए थे हम तो ट्रैक्टर ले गए। ए स्वाद लेने आ रहे हैं, मतलब स्वाद इस तरह भी मिलता है? स्वाद की कई प्रकार होती है। और एक स्वाद है भाई, कभी सा भूख है घर का पीसा बुक के 6 लाख लगा के और तेल बुकेंगे। अरे ये सरकार हमने फद्दू उड़ाने लग रही है। देखो कमाल की बात, झंडा दिखाओ भाई एक बार। इसी सरकार का झंडा है, ये सरकार का झंडा है। सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार जमा घटिया काम कर रही है, मारी फसलें चौड़ ती खरीदेंगे और हम फद्दू हाँ जुड़ने बेचेंगे। गाड़ी पे बीप लगानी पड़ेगी, गाड़ी ना तो फिर हमें बीप मेहनत करनी पड़ेगी एडिटिंग में। अच्छा फसल फूसल खरीद रही है नहीं खरीद रही है सरकार? इब्बे तो भाई हमारी आई है कौन, खेत में पड़ी है। खट्टा सरकार काम कैसा कर रही है? खट्टा सरकार ठीक कर रहा हूँ तो हूँ, गलत भी है। कौन सा काम भाई साहब? मसूद भाई साहब। क्या नाम है? नरेश। सरकार ने सारी ले ली, MSP भी ले लेंगे। कड़ा ले ली मारा तो करा, इब पड़ी है जाके देख लीजिए। अरे बेच दे 1925 का बाल लेंदे तो नुए बाजरा पड़े है। रैली तो कड है, बोला सरकार ठीक है इसलिए रैली काटने लग रहे। कोई सरकार नहीं, इन्ना बनिए लेंदे कुछ घुन लेंदे सारा ही सौदा नट है जमा। अच्छा हाँ चीज लेने बीच जे तो ट्रैक्टर किसके कहने पे ले आए हो? हैं ट्रैक्टर तो मार कहने दे ले आए। हाँ काम करने खातर ले आए। हाँ खेती दिहाड़ी में है? कोई दिहाड़ी नहीं, ये तो भाईचारा के हिसाब से। चलो भाईचारा के हिसाब से, भाईचारा किसके कहने पे? कौन सा भाईचारा? वो भाईचारा मेरे तो बड़ा भाई। ओ नुबला चल भाई ट्रैक्टर ले चल। उसको किसने कहा? बीजेपी में तो मेरा नहीं भाई, किसने कहा है? बीजेपी का वर्कर होगा। किसान ने सरकार में सीधे सीधे बताओ, किसान का सरकार में फायदा है नुकसान है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा कौन भाई। अच्छा तू बता तेरा क्या नाम है? बलजीत है। बलजीत कौन सा काम है? मसूदपुर है। मसूदपुर किसान राज्य सरकार में? नहीं राज्य जी। किसान विरोधी मारा माटी कूट रखी है, पानी नहीं मिल रहा पूरी। हाँ कोई कुछ नहीं। हाँ कल कैप्टन साहब जो है ना, कैप्टन क्या जनरल साहब ये कह रहे थे भी किसान खुश है, किसान बीजेपी के साथ है। इसी तरह सांसद ब्रजेंद्र सिंह बोले भी किसान साथ है, रैली निकालेंगे आप देख लेना। ये तो निकाले जाऊँ तो रैली तो निकाले ही जी, सरकार है या तो अपनी तो अपना दिखाओ तो करेगी। इलेक्शन तो विरोध में आ रहे हो, पक्ष में आ रहे हो सरकार के? मैं तो विरोध में हूँ। तो अरे हाँ तेने बताऊँ बात है, हमारा काम ले ले सही होना चाहिए। बाजरा का कौन सा काम है? मसूदपुर काम से हमारा। मसूदपुर के हो तुम? हाँ मसूदपुर के। हम बाजरा भी नुकानू पड़िया है जी, इब देखें जाओ बाट ऑनलाइन की। सरकार नु क्या किसानों की आमदनी दुगनी कर दी कर देंगे और बिल बहुत बढ़िया हो गए। कुछ को नहीं होया, इब लगदा मारा नाम का तो तना बताऊं बात, मारा नाम का तो नुकानू पड़िया जी सारा सौदा। रैली तो मामा ना बेरा होता, मामे तो आए हैं ट्रैक्टर ले लेते बताऊ बात है। कुछ उतरा काम में सदला काम में निमणत करांगे सौदन है। इके बेरा भी कुकर निमड़ेगी सरकार का केस होता है। तेल गलवाया किसी ने? नहीं गलवाया। ईब लग दो फक्का नहीं गलवाया रखा बंद। कोई कही है किसी ने गलवा देंगे पीछे दे देंगे? ईब लग मारा लग ना कही है झूठी कह दिया मारा दो ईब लग। कोई सारी नाज भी नहीं भी क्या, किसान राज्य भी नहीं है, ट्रैक्टर भी लिया तेल दो रहता है, तेल दो रहा ईब लग मारा कर काफी कह रही है कोई सौदा नहीं। शाम तक के बनेगी बेरा नहीं, लेकिन ये राज्य नहीं है सरकार से। राजी तो जिन हमारे मामे तो मारा तो फसल ले ले नहीं दबा दब बहन तो टेमा टेमी कपास लेवर सारा सौदा लेवर राजी तो मामे जत्थे या तो आप भी मानो हो इनू ला ले पानी है बकाल है बोले ऑनलाइन में लेंदे को नहीं ऑनलाइन में मारा कागत को नहीं कड़ा फेरा कागदा ठाई को जमींदार ने पड़ा है उसके नुकन रह जाए जी अनाज पता ऑनलाइन नहीं करवाता उसका भी। मेरा तो मैं तो यो समझने की कोशिश करूँ था भाई, यूँ कहते भाई ये जो ट्रैक्टर वाले जितने भी आ रहे हैं ये बीजेपी तो राज्य हैं, फसल का भाव बढ़िया मिलेगा सारे किसान राज्य हैं। जब रैली काटने लगा तो राज्य हाँ फसल का भाव बढ़िया दुआ दे मामे राज्य हैं मामे केंद्र राज्य हाँ
वो तो आगे की बात है, लेकिन आज की बात है ना। दो भैया बिक जे है, दो भैया बिकता को नहीं, उसका नुकान घर पड़िया है। अच्छा मोदी सरकार काम किसा कर रही है? मोदी तो खट्टर साहब, खट्टर को नहीं सही जी। हाँ ये कमी खट्टर में, खट्टर में सारी कमी है, किसान ना पानी मिल रहा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, सारी मैंने रेट बढ़ा दिए, डीजल यो बढ़ा दिया, यूरिया इसका बढ़ा दिया। ये कह रहे खट्टर साहब काम नहीं कर रहे ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा दशरथ नाम हो तो इस्ती वेरा जी को नहीं करे वैसे काम का। अच्छा बढ़िया जी, दशरथ कौन सा काम है? मेरा काम देपड़ है जी। देपड़ देखा है मैंने, तू 100% है तो नू बता, डट तो जा। ये रैली क्यों काट रखी आज? रैली तो अजी बीजेपी वाले काट रहे जी। अच्छा बेरा नहीं, बीजेपी का समर्थन करना आ रहे हैं? मैं तो हूँ बीजेपी में, मैं तो वैसे घूमना आ रहा हूँ जी। तो ट्रैक्टर कितने अपना? ना अभी ट्रैक्टर कौन ले रहे जी। अच्छा भीड़ बड़ा हो गया आज? बस देखना आ रहे हैं, वहाँ बढ़िया भीड़ हो रही है, अच्छी भीड़ हो रही है। भाई ट्रैक्टर तो लिया है लेकिन राजी नहीं है, कहते फसल फूसल नहीं बिक्री। जिदे लिया जी, जिदे लिया तो राजी कराएंगे आगे इस भाई ने। हाँ मैंने बदरे नुकनो पड़े है, वो तो कह दिया ऑनलाइन 21 है बेका है, तो फिर बदरे नुकनो पड़े है। हाँ वो नुकनो बदरे पड़े है, इस पे समाधान करवा लियो भाई, ये समाधान करवा देंगे। ठीक है बढ़िया करवा हुआ था वो, तारीफ करवाएंगे भाई के में। आपका गलत आप मिल लिया पे कई बार बताओ बताओ खुल के बताओ जी, बात ये बता रहे ठीक कह रहे बेचारे, इनकी सुनाई करांगे। परेशान तो है किसान है ना? परेशान तो है जी, लेकिन असली बात तो क्या है जी, ये जनता को बढ़ा रही दोनों पार्टियां, दोनों तो कांग्रेस वाले झंडे उठा रहे। ये असली बात कह रहे, जनता बिड़ रही है, दोनों पार्टी जनता को बिड़ा रही है भाई। मैं जनता को बढ़ा रही है, उड़ान से बीजेपी वाले ठहरे, किसान हमारे साथ है, उन्होंने कांग्रेस वाले ठहरे, उन्होंने जेजेपी वाले, इस देश का जनता का नाश करना है इन पार्टियों ने सभी ने, अपनी तो ये सोच है जी। ठीक कौन है गलत कौन है, कोई फैसला नहीं है? ठीक किस्मत कोई नहीं है जी, पहला कांग्रेस भी आ ली और जेजेपी इन लोग भी आ ली, ठीक नहीं कोई, जब तक ये 36 बरादरी नहीं समझेगी जमींदार है, जब तक नुए पीटे। आप में से काफी लोगों ने यह भी पूछा कि इस ट्रैक्टर रैली में कितने ट्रैक्टर थे, यानी कि ट्रैक्टरों की संख्या कितनी थी, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रैक्टर 280 से ज्यादा ही थे, इसमें कोई शक नहीं। ज्यादातर ट्रैक्टर हांसी विधानसभा क्षेत्र के थे, और आप सीधा सीधा अगर श्रेय देने की बात करें तो हांसी के विधायक बीजेपी के विधायक हैं विनोद भैना, उनके कहने पर या उनके समर्थक ये ट्रैक्टर लेके आए थे। इस बात को साफ तौर पर दर्शाती है कि जो मोदी सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, किसान पूरी तरह से उसका समर्थन करते हैं, और उनके समर्थन में आज हजारों की तादाद में ये भीड़ ट्रैक्टरों के साथ उमड़ी है, ये इस बात को सबूत करता है कि किसान बहुत खुश है। सबसे ज्यादा ट्रैक्टर आपके बता रहे हैं, हमने भी बात की लोगों से, विनोद बेड़ा का नाम ले रहे हैं लोग। ये सबकी भारतीय जनता पार्टी की रैली है, और हमारे माननीय 2 सांसद नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं इनके साथ हूं, और ये सारी की सारी भीड़ भारतीय जनता पार्टी की भीड़ है। कुल मिलाकर बीजेपी ने ट्रैक्टर यात्रा निकाल दी है, लेकिन ये रैली ये यात्रा कैसी रही, लोग इसको किस तरह से देखते हैं, आप लोग इसे किस नज़रिए से देखते हैं, अपने कमेंट जरूर नीचे लिखें ताकि असलियत का पता लगे कि जनता क्या समझती है, जनता क्या सोचती है। एक गुजारिश आपसे और है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, और ये वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर वीडियो, हर अपडेट या किसी भी खबर का पूरा सच सबसे पहले आप तक पहुंचे। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।